घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। घनेन्द्र जी, निशाना लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी की तरफ बार बार आते हमने देखा कल की स्पीच में। आप मानते हैं जो गलत बयानियां की गई, जो दावे किए गए खास तौर पर गुजरात के अंदर, वो एक बड़ा मुद्दा अब आने वाले वक्त में भी बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है कि भाई देखो ये तो ऐसे नेता हैं जो कि गलत बयानी करते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं। देखिए समीर जी, एक बात तो साफ है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। ये मोदी जी खुद भी मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मान रही है और पूरा देश मान रहा है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज कर सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये अभी अभी निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बने आप समीर जी। कल प्रधानमंत्री के भाषण सुन लीजिए आप, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुन लीजिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के। मैं एक बार छोटी सी और बात बता दूं आपको। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जो अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने सुना, समीर का क्वेश्चन था कि मुफ्त की रेवड़ी, प्रधानमंत्री हमें तो क्रिटिसाइज करते हैं अगर हम गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली दे, गरीब आदमी को फ्री में पानी दे, महिलाओं को यात्रा फ्री में कराएं, प्रधानमंत्री कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी है। लेकिन सुरेंद्र जी के पास जाइएगा, लेकिन मैं इससे पहले सुरेंद्र जी से इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि सुरेंद्र जी अभी तो बीजेपी भी मानती थी कि आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव में नहीं है, वो कहते थे सीधा मुकाबला हमारा कांग्रेस के साथ है। आप जो 4 करोड़ मतदाता की बात कर रहे हैं ना सुरेंद्र सर, ये मतदाता बहुत अच्छे वोट परसेंटेज के साथ पिछले चुनाव में आपके साथ थे, चिंता इसी बात को लेकर हो गई, क्यों उन्होंने कांग्रेस को सीरियसली नहीं लिया? दो बातें बड़ी साफ है सूरज जी। पहली बात यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे चुनाव मत से जीती है, और दूसरी बात यह है कि मतदाता राजा होता है, मतदाता जनार्दन है हमारा। आज हमें उन्होंने नहीं चुना, हिमाचल में चुना, कल वो जो है हमें गुजरात में भी चुनेंगे, ऐसा विश्वास है। तीसरी बात जो आपने अभी कही प्रधानमंत्री जी वाली, तो ये बड़ी अच्छी बात है, कोई भी बड़ा नेता हो या कोई अपने अपोनेंट को कमजोर को ही चुनना चाहता है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने अगर आम आदमी पार्टी को जो क्या नाम थेरेपिस्ट रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनावे, जो लिख करके झूठ बोले, जो पूरे हिमाचल में सारी जगहों पर जमानत, लेकिन सुरेंद्र जी क्या आपको इस बात पर चिंता नहीं होती कि गुजरात में अब तक का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की तरफ से दिया गया, इसको लेकर सोच विचार होना चाहिए। लेकिन मैं सरदार आरपी सिंह जिसका मैं जिक्र कर रहा था सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जो अभी घनेन्द्र जी की बात वो बोल रहे थे, काफी मुस्कुरा रहे थे 2024 को लेकर, जो वो बीजेपी के मुकाबले खुद को खड़ा करते नजर आ रहे हैं, आप मुस्कुराहट की वजह बताइए। देखिए कैसे हास्यास्पद बात है कि इनकी जमानतें जब्त होगी, हिमाचल में नोटा से कम वोट पड़े हैं, नोटा से, ये है स्थिति इनकी। बड़े बड़े दावे करते थे, एक कोई आईबी की रिपोर्ट का गाना गाते थे कि आईबी ने फंसा दिया कि इनकी सरकार बन गई है, 94-95 सीटें आ गई हैं। हालत देखी है कि लोग कहते बस सबको थोड़ा धक्का और मारो, लोगों ने उल्टा धक्का मार दिया। तो मैं कह कि झूठ के आधार पर बिना किसी रणनीति के, ठीक है सिंह साहब, ये बात तो हुई केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, लेकिन जरा हिमाचल का आकलन भी तो आपको करना होगा ना, कि आखिर चूक कहां रह गई कि वहां पर कमल नहीं खिल पाया। मैं बोल दूं बात, मैं अभी सुंदर जी की बात पे, आपने कहो कि उनकी बात छिड़ी तो बात पूछ करो, मैं सुंदर जी की बात पे भी आ रहा हूं। मैं तो आग की हंडी चढ़ती है एक बार, क्योंकि ये जो फ्री बीज और ये जो सपनों के सौदागर का मामला है, एक समय तक चलता है, उसके बाद आपकी विचारधारा क्या है, आपकी नीतियां क्या है, देश के प्रति की नीति क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की नीति क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की नीति क्या है, इकोनॉमिक नीति, कुछ कोई चर्चा नहीं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, हर बार जाएंगे, उत्तराखंड गए थे, यूपी गए थे, गोवा गए थे, गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की, नहीं नहीं आरपी सिंह साहब, गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही उसे क्या बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं? 41 लाख वोट गुजरात ने एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिला दिया, 5 सीटें भी आ गई, वो ये कह रहे हैं कि इस बार सेंध लगा दी, अगली बार खिला फतह कर लेंगे। एक पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी, 2013 में गठित हुई थी नॉर्थ ईस्ट की, 2019 के अंदर नेशनल पार्टी बन गई थी, और नॉर्थ ईस्ट से ही बन गई नेशनल पार्टी। वो आपने तब तो कोई गाना नहीं गाया कि वो चैलेंजर बन जाएंगे देश के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में एक नेशनल पार्टी बन गई 6 साल के अंदर, 2-10 साल लगे, 6 साल के अंदर नेशनल पार्टी बन गई। हमें क्या कि आप भी उस नैरेटिव पे जा रही है जो कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। अरे भैया आप कुछ चीजें देखे ना,
25। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।